यार माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये तो हम सब को ही जानते हैं, लेकिन अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये दो मूवीज़ तो यार एपिक लेवल की है। बट अगर मैं बात हॉलीवुड से करूँ तो क्या सोचोगे? जैसा कि मेरा क्वेश्चन है यार शुरू में ही कि आप लोग मुझे बताओ कि यार माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब कोई ये इंश्योरेंस वाली बकचोदी कोई कमेंट में नहीं पेलेगा, ठीक है, ये ठीक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि चलो जिंदा रहते मैं तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो बन सकता है सब कुछ करते हैं, नो डाउट, ठीक है, कमेंट में गालियाँ नहीं पड़नी चाहिए इस बात के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यार बुरा मत मानना, लेकिन अगर माँ बाप की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो क्या कुछ कर सकते हैं, उसी के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ इस मूवी की। ये जो मूवी है कार्गो, ये हॉरर साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है, जोम्बीज के ऊपर बेस ये मूवी है, बट मेनली फोकस इसका जोम्बीज पे नहीं है, वहाँ पे है एक तरीके से बट वो एक अलग चीज़ है। और जिस चीज़ के ऊपर ये मूवी है वो है एक बाप और एक बेटी जो उसे सुरक्षित कहीं पहुँचाना चाहता है। अब क्यों ये मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पे इजीली मिल जाएगी, बट ये मूवी सिर्फ इंग्लिश में है। लेकिन आप भागो मत यार, मैं पहले एक चीज़ समझा रहा हूँ तुम्हें, वो देख लो फिर उसके बाद भागना है, ऐसे नहीं भागना है यार, सुनो मेरी बात। ये मूवी इंग्लिश में है बट खास बात इसकी ये है कि अगर तुम्हें इसका कोई डायलॉग सुनाई नहीं भी देता है ना तो सिर्फ तुम ये मूवी कान में हेडफोन लगा के देखते रहो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। इतनी गजब की मूवी है यार, इसके इमोशनल टचेस एक नंबर, इसकी अंदर की स्टोरी एक नंबर, इसके अंदर की एक्टिंग उससे भी ऊपर। स्टोरी का मेन फोकस है एक फैमिली के ऊपर और एक अलग सी लड़की है उसके ऊपर। फैमिली में है एक औरत, एक उसका हस्बैंड और उसकी एक बेटी जो काफ़ी छोटी है, जो कि अभी एक तरीके से गोद में ही है। और देखना ये होता है कि औरत को एक ज़ोंबी काट लेता है जिसकी वजह से वो कुछ टाइम बाद ज़ोंबी में चेंज हो जाती है, और उसके बाद वो बाय एक्सीडेंट अपने पति को भी काट लेती है। और उसके पति इससे पहले कि चेंज हो जाए वो चाहता है कि अपनी बेटी को किसी सुरक्षित हाथों में दे दे, उसके लिए वो जगह जगह घूमता है। बट अब देखना ये है कि क्या वो ऐसा कर पाता है इससे पहले कि वो ज़ोंबी में चेंज हो जाए, अगर कर लेता है तो कैसे, अगर नहीं कर पाता है तो वो क्या करेगा अपनी बेटी के साथ जो कि उसी के साथ में होती है, क्या वो अपने आप को मार लेगा या फिर वो अपनी बेटी को छोड़ देगा, देखना है ये आपको मूवी में। बट जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ वो मेन चीज़ है इसमें, एक अच्छी बात पता है मूवी में क्या है, मूवी में जो लॉजिक इस्तेमाल करेंगे ना और किसी मूवीज में है ही नहीं ऑलरेडी उतना, मतलब और ज़ोंबी मूवीज में एक सीधी सीधी चीज़ क्या दिखाई जाती है कि ज़ोंबी ने इंसान को काटा ज़्यादा एक मिनट या 10 सेकंड या 2 मिनट में वो चेंज हो जाते हैं तुरंत। मूवी स्टोरी इस तरीके से दिखाई गई है कि यार तुम देख के थोड़ा हिल जाओगे, हालांकि ये ज़ोंबी मूवी है बट ज़ोंबी मूवी से कहीं ज़्यादा है क्योंकि इस चीज़ में इमोशनल टचेस हद से ज़्यादा दिए गए हैं जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। कि मतलब एक थ्रिलर मूवी में तो ये चीज़ हो सकती है बट एक ज़ोंबी मूवी में यार इमोशनल टच इतने ज़्यादा तरीके से, हर एक सेकेंड में तुम्हें, हर एक मिनट में तुम्हें कहीं ना कहीं एक ना एक इमोशनल टच मिलेगा जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा गलत हो गया या फिर ये थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए था या काश यहाँ से ये ऐसा हो जाए। ये सारी चीज़ें जो तुम्हें देखने को मिलेगी ना ये इस मूवी को बड़ी खास बनाती है। इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि ज़ोंबीज को थोड़ा ज़्यादा ही डाउन दिखाया गया है, मतलब ज़ोंबी का एक तरीके से 20-25% ही रोल एक तरीके से आता है इस पूरी मूवी में, बाकी ऐसा लगता है कि आधे टाइम में ज़ोंबी है ही नहीं। बट ये इसकी जो कमी पूरी कर रहा है वो उसका फादर ही पूरी कर रहा है क्योंकि वो होने वाला है चेंज ज़ोंबी में। अगर एक्टिंग की बात करूँ यार तो मूवी में जो मार्टिन फ्रीमैन ने यार जो अपनी एक्टिंग करी है एज अ जो फादर रोल करा है और जो ज़ोंबी में होने वाले चेंजेस हैं उसकी जो एक्टिंग है और जो एक अपनी बेटी के लिए जो चिंता है वो एक तरीके से जो उन्होंने अपने हाव भाव में अपनी एक्टिंग में जो दिखाया है ना वो यार एक ऐसे लेवल की चीज़ है यार जो हर किसी एक्टर के बस की नहीं होता। और उसके अलावा जो एक लड़की है यार उसकी भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा हद तक ऊपर है, मतलब एक जो पेस होता है ना कि हाँ क्या होना चाहिए, एक छोटी लड़की से क्या उम्मीद करी जा सकती है उस पर वो बिल्कुल खड़ी उतरी है। इसी भी ज़ोंबी मूवी में VFX और ग्राफिक्स ये सब चीज़ें ना जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती हैं, बट इस मूवी में यार
इस मूवी में अब तुम देखोगे कि मतलब कहीं भी उतना ज़्यादा ग्राफिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ना के बराबर ही हुआ है। और लेकिन जो इसमें खास बात है, जो इसमें जान डाल देती है, वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया मेकअप, और जिस तरीके से इसे इस्तेमाल करेगा कि हाँ लगता है कि हाँ लॉजिकल है बिल्कुल। अदर ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ को अगर मैं इस ज़ॉम्बी मूवी से कंपेयर करूँ तो यार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब जहाँ अलग मूवीज़ में एक जो थ्योरी दिखाई जाती है ज़ॉम्बी के ऊपर, वो ये होती है कि हाँ भाई ज़ॉम्बी ने काटा, वो 10 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट में चेंज हो जाएगा ज़ॉम्बी में और तुरंत हमला करेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखाया गया है, इसमें जो चीज़ दिखाई गई है वो बड़ी कमाल की है कि मतलब ज़ॉम्बी काटेगा, उसके बाद आपको पूरे 48 घंटे का टाइम मिलता है, 48 घंटे में आप चेंज हो जाओगे ये तो पक्की बात है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें होती है कि मतलब ज़ॉम्बी बन जाएगा, उससे पहले जो जो चीज़ हो सकती है, जो जो डिफाइन करा गया, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मूवी का जो डायरेक्शन है यार, वो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है यार। मतलब जिस तरीके से इस मूवी को दिखाया गया ना, वो एक सोचने वाली बात हो जाती है कि यार ऐसी मूवीज़ अभी भी बन सकती हैं अगर ट्राई करा जाए तो। अगर मैं बात करूँ मूवी की एंडिंग की, तो इसके लिए मुझे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी इस मूवी की एंडिंग को समझाने के लिए। मैं अपने आप को मतलब रोक नहीं पा रहा हूँ, इसकी जो एंडिंग है वो काश मैं भी आपको यहाँ पर बता पाता, लेकिन आपको फिर मूवी देखने में जो रहेगा कि आप जब एंडिंग पे आओगे और आपको पता चलेगा कि हाँ ये एंडिंग थी और इसने पहले हमें बता दिए, तो आप मेरे को गाली दोगे मूवी देखते टाइम। लेकिन इसलिए पहली बात, आप पहले मूवी देखो, उसके बाद मुझे कमेंट करो। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो इसकी एंडिंग को लेके बनाऊंगा, और अगर नहीं भी आप मूवी देखते हो तो इसकी एंडिंग की आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देखो, अगर हो सका मुझे अगर मिलता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना एक बार, ट्राई करना, और अगर आपको पसंद आती तो ये मूवी ज़रूर देखो यार। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाइस डे।